लड़की के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर टिप्पणी करना छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने रवि नाम के इस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवक पर आरोप है कि वो लड़कियों के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सांप्रदायिक टिप्पणी करता था। पुलिस ने युवक को पकड़ने के बाद उससे निशा जिंदल नाम की फेसबुक आईडी पर उसकी असली तस्वीर भी पोस्ट करवाई। छत्तीसगढ़ में तैनात आईएएस अधिकारी प्रियंका शुक्ला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सांप्रदायिक वैमनस्यता भड़काने के आरोप में जब रायपुर पुलिस एफबी यूजर निशा जिंदल को गिरफ्तार करने पहुंची तो पता चला कि 11 साल से इंजीनियरिंग पास नहीं कर पा रहे रवि ही वास्तव में निशा है। निशा के 10,000 फॉलोअर्स को सच बताने पुलिस ने रवि से ही उनकी सच्चाई पोस्ट करवाई। सांप्रदायिक टिप्पणी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने निशा जिंदल के नाम से बनी फेसबुक आईडी की छानबीन की। छानबीन के आधार पर पुलिस जब गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो निशा जिंदल की जगह पर रवि मिला। पूछताछ में रवि ने कबूल किया कि वही इस अकाउंट को चलाता है। इसके बाद पुलिस ने युवक से निशा जिंदल के अकाउंट पर उसकी असली तस्वीर पोस्ट करवाई। गिरफ्तार युवक रवि पर आरोप है कि वो लड़कियों के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाता था और फिर उससे सांप्रदायिक टिप्पणियां करता था। इसके बाद कुछ लोगों ने इस आईडी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने रवि को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।